चलो जी शुरू हो जाओ। अगवानी छक्के होते हैं ये बात मैं आज बताऊंगा। अगवानी छक्के होते हैं ये बात मैं आज बताऊंगा। अगवानी छक्के होते हैं ये बात मैं आज बताऊंगा। अगवानी नमक हरामी होते हैं ये बात मैं आज बताऊंगा। अगवानी नमक हरामी होते हैं। अरे मेरा दोस्त, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। सबसे पहले तो जो कल वीडियो बनाई थी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने देखा, जिन लोगों ने लाइक किया, जिन लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, बहुत बहुत शुक्रिया। कल का जो वाकया आया था आप सब जानते हैं कि आमिर को जिसने गाली दी थी नवीन उल हक ने, आज इसकी मैं बात आपको बताऊँगा कि हम लोग इसको नमक हरामी क्यों बोला था और छक्का मैंने क्यों बोला था। आज इसी वीडियो में आपको प्रूफ करके बताऊंगा कि अगवानी नमक हरामी होते हैं। ये कुत्ते होते हैं, भौंकते हैं, काटने वाले कुत्ते नहीं हैं, ये सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते होते हैं। उससे पहले एक बात क्लियर कर दूं कि मेरा मकसद सिर्फ उन अगवानियों को होता है जो पाकिस्तान को गाली देते हैं, पाकिस्तान का झंडा जलाते हैं और पाकिस्तान के लिए घटिया सोच रखते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ उन अगवानियों के लिए है। बाकी जो अच्छे अगवानी हैं उनसे हम बहुत प्यार करते हैं, आई लव यू अगवानी भाई। लेकिन अगर पाकिस्तान को गाली दोगे तो फिर रिस्पांस में वही गाली देंगे, हम भी आपको फूल लेके नहीं बैठेंगे कि आ जाओ हमें गाली दो और हम फूल लेके बैठेंगे। तो अच्छा जी, कल जो वीडियो बनाई थी उसके ऊपर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन आज मैंने नवीन उल हक के बारे में थोड़ा सा सर्च किया कि ये छक्का जो है आखिर क्या वजह है कि इस छक्के ने आमिर को गाली क्यों दी और शाहिद अफरीदी इतना गुस्से में क्यों आया। सबसे पहले तो नमक हरामी अगवानी को, ये जो नवीन उल हक है, सिर्फ मैं इसके ऊपर बात करूँगा, मैं बाकी जो जितने भी हैं उनके ऊपर बात नहीं करूँगा। फिर ये नहीं कहना पाकिस्तानी हो या अगवानी हो कि भाई तुम सारे अफगानिस्तान को क्यों बोलते हो। भाई मेरा कोई मकसद नहीं है कि सारे अगवानियों को मैं नमक हरामी बोलूँ, सारों को मैं छक्का बोलूँ। नहीं यार, मतलब जो पाकिस्तान के लिए गलत सोच रखेगा मैं सिर्फ उनको जवाब देता हूँ, और आज ही मैं नवीन उल हक को मैं जवाब दूँगा और किसी को जवाब नहीं दूँगा। ये नहीं सोचना कि भाई सारे अगवानियों को छक्का बोल रहा है और सारे अगवानियों को नमक हरामी बोल रहा है। नहीं यार, ऐसा नहीं है, मतलब मेरा सिर्फ उन लोगों को है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने मुल्क से प्यार है। मेरा मुल्क, मेरे हीरोज़, जितने भी मेरे हीरो हैं, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, किसी भी लेवल का है, मुझे उनसे प्यार है। और उनको अगर तुम कुछ बोलोगे, समझे, फाड़ के रख देंगे, घुस जाएंगे छक्को। तो अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, एक तस्वीर है ये नवीन उल हक छक्के की। इस छक्के ने 2016 में पाकिस्तान में था, ये छक्का पाकिस्तान से तैयार होके गया और अफगानिस्तान जाके क्रिकेट में खेलने लगा। तो इस छक्के ने अब ये देखना था कि मुझे फेमस होना है, तो फेमस कैसे होना है, किसे कैसे होगा, आप बताओ कैसे होगा। कोई भी इंडिया से हो या अफगानिस्तान से हो, वो फेमस कैसे होता है? मान लो कि इंडिया की बॉलीवुड की जो मूवीज़ हैं वो फेमस कैसे होती हैं, उनके हीरोज़ फेमस कैसे होते हैं। या जैसे वो क्या नाम था यार उस छक्के का, हिंदुस्तानी भाईजान, हाँ हिंदुस्तानी भाईजान, वो छक्के ने, उसने भी पाकिस्तान को गालियाँ दी, उसके बाद फेमस हुआ, वहाँ पर बिग बॉस में चला गया, उधर से कुत्ते वाली हो के फिर बाहर निकाल दिया उसको।
हुआ ना उसके साथ, कुत्ते वाली हुई, क्योंकि उसने गलत किया था। तो जितने भी हैं अफगानिस्तान से या इंडिया से, वो फेमस तब होते हैं जब पाकिस्तान को गाली देते हैं, और फेमस होने के बाद उनको अच्छे अच्छे पैसा मिलता है, बहुत ज़्यादा उसको पैसा मिलता है, उनको फिल्में मिलती हैं, उनको क्रिकेट मिलती है, उनको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो छक्का है नवीन उलाक, इस छक्के ने भी सोचा कि अब मैं कोई ऐसा काम करूं जिसके बाद मुझे आईपीएल ज्वाइन होना पड़े, आईपीएल मुझे ख़रीदेगी। आईपीएल क्यों ख़रीदेगी, कैसे ख़रीदेगी? वो इसलिए ख़रीदेगी कि भाई इसने पाकिस्तान को गाली दी है। तो नवीन उल हक ने, इस छक्के ने इसलिए पाकिस्तान को गाली दी, आमिर को गाली दी, शाहिद अफरीदी के साथ इसने बदतमीज़ी से बात की, छेक एंड नहीं किया। तो इसलिए इसने सोचा कि ये काम करूं, उसके बाद मैं फेमस हो जाऊंगा, लोग मुझे चाहेंगे, इंडिया वाले तो वैसे ही आपको पता है वो इस चीज़ से फारिग होते हैं। वो जो भी पाकिस्तान को गाली देगा उसको उठा लेंगे, आ जाओ। जैसे पहले अफगानी भाईजान था, पठान भाईजान, ये दोनों छक्के भी पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बनाते थे, तो उनको जो है ना मतलब बोला कि बॉलीवुड में आ जाओ, आपको फिल्में देंगे, आप बहुत बड़े हीरो, आप बहुत इतना अच्छा काम करते हो कि पाकिस्तान को गालियां देते हो। तो इनकी ये मेंटालिटी, आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनकी मेंटालिटी कैसी होती है, इनका दिमाग कैसा होता है, ये दिमाग से फारिग होते हैं। तो इसने जब गाली दी, उसके बाद अब देखो कि जो है ना इंडिया में उसको फेमस मिल रहा है, पाकिस्तानी उसको गालियां दे रहे हैं, लेकिन अपनी आईपीएल में जगह बना ली उसने। खैर एनीवे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, आईपीएल में जाए, बीपीएल में जाए, भले पीएसएल में आए, जिधर भी जाए, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हम ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को गाली मत दो, पाकिस्तान को गाली दोगे तो पाकिस्तानियों को गुस्सा आएगा, उनको गुस्सा आएगा, तो तुम्हें सुनाएंगे, तुम्हारे मुल्क के ऊपर बात करेंगे कि तुम्हारा मुल्क चूती है, गंदा है, जाहिल लोग रहते हैं। और ये बात भी सच है कि अफगानिस्तान में जो क्रिकेटर हैं और जो उनके जो सपोर्टर हैं वो जाहिल के बच्चे हैं, अक्ल उनमें ज़रा सा भी नहीं है। जो प्रोफेशनलिज्म होता है ना, जैसे एक प्रोफेशनल बंदा होता है कि बड़े सीनियर की कैसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये जो नवीन उल हक है, इसने चड्डी पहनना, इसकी माँ ने जब सिखाया होगा ना, तब शाहिद अफरीदी ने 36 बॉलों पे सेंचुरी मारी थी। लेकिन वैसे एक बात मैं कह रहा हूँ कि इसको तो चड्डी पहनाई नहीं होगी इसकी माँ ने, क्योंकि इसको ये तो छक्का है, तो इसकी माँ ने कहा होगा जा बेटा ऐसे ही जा, क्योंकि चड्डी पहनने की ज़रूरत नहीं है तुझे ऐसे ही चला जा, क्योंकि समझ गया ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ यार, समझ जाओ ये बात जो मैं कह रहा हूँ। तो इसकी माँ ने बग़ैर चड्डी के भेज दिया होगा। तो वो शाहिद अफरीदी इतना बड़ा सीनियर है, जब तुमने चड्डी नहीं पहनी होगी तो उस टाइम ये शाहिद अफरीदी ने 36 बॉलों में सेंचुरी मारी थी। तो खैर एनीवे, बाकी सब बाढ़ में जाए। जो नमक हरामी हम बोलते हैं उसके ऊपर आते हैं, मेन मुद्दा हमारा ये है कि नमक हरामी क्यों बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? इसलिए कि जब कोई किसी घर का नमक खाता है, किसी मुल्क का नमक खाता है, फिर उसके बाद वो दलाली करेगा, उस मुल्क को गाली देगा, उस घर को गाली देगा, तो वो नमक हरामी होता है। ये बात अफगानियों को बता रहा हूँ कि भाई जब हम नमक हरामी बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि जब तुम लोगों ने हमारा नमक खाया है तो हमारे मुल्क को गाली दोगे, तो इट मीन कि तुम नमक हरामी हो। तो नवीन उल हक की ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, 2016 जून में ये गुलशन हदीद के अंदर इसने किसी के घर पे, अब पता नहीं शाहिद अफरीदी के घर पे खाना खाया या किसके घर पे खाना खाया, इफ्तारी खाई, तो खाना खाया, तो खाने के अंदर क्या होता है, नमक, नमक ही होता है ना, तो नमक खा कर पाकिस्तान का नमक हरामी की है इसने। इसलिए हम कहते हैं कि तुम लोगों को कि तुम लोग नमक हरामी हो। अल्लाह हाफिज़।